नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज 19 में। मैं पुलकित सक्सेना आप लोग के साथ। आइए एक मिनट डालते हैं अखबार की सुर्खियां मेरे साथ। आप सभी को बता दूं कि कहते हैं कि एक तस्वीर हजार शब्दों को बयां करती है, और कल राजधानी जयपुर के अंदर ऐसी ही तस्वीर देखने को मिली है, जब भाजपा के नेता और अध्यक्ष जेपी नड्डा ने राजधानी जयपुर के अंदर दौरा करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे और बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया का दोनों का हाथ पकड़ करके ऊपर कर दिया। जब उन दोनों के हाथ पकड़ के ऊपर किए तो लोगों के मन में कई तरह के सवाल थे कि उन दोनों के बीच में आपसी अनबन चल रही है, या फिर उन दोनों में से मुख्यमंत्री अगले पद के लिए कौन खड़ा होगा, यह भी समाधान चल रहा था, समस्या चल रही थी। तो इसी को लेकर के यह जेपी नड्डा ने क्लियर कर दिया कि दोनों अब एकजुट हैं और साथ मिलकर के कार्य करेंगे। साथ ही साथ एक बार और आप सभी को बता दूं कि सुप्रीम कोर्ट में एक 14 साल की नाबालिग लड़की ने गर्भपात करने की इजाजत मांगी है। उसने कहा कि उसके चचेरे भाई ने उसके साथ दुष्कर्म किया, जिसकी वजह से वह गर्भवती हो गई, और गर्भवती होने के बाद में उसे गर्भपात करवाना है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इसको अगले हफ्ते तक के लिए टाल दिया है। साथ ही आप सभी को बता दूं कि 26 सप्ताह का यह गर्भपात बताया जा रहा है। वहीं जोधपुर के अंदर लगातार जेल के अंदर मोबाइल बरामद किए जा रहे थे और उससे फोटोएं भी बरामद की जा रही थी, और सोशल मीडिया के ऊपर लोग वीडियो कॉलिंग करते हुए भी नजर आ रहे थे। तो इसी को ध्यान में रखते हुए जोधपुर जेल के अंदर हाई सिक्योरिटी बढ़ा दी गई, और लोगों को वहाँ पे जो मुस्लिम रह रहे हैं उनसे जानकारी प्राप्त की गई। जब जानकारी प्राप्त की गई तो वहाँ पे जेलर का हाथ सामने आया है, जिससे वहाँ पे जितने भी मोबाइल दिए गए वह सभी लगभग जेलर के द्वारा ही दिए गए हैं, और इसमें जेलर की भूमिका अहम बताई जा रही है। तो पुलिस ने उसको हिरासत में ले लिया, और पुलिस ने हिरासत में लेने के बाद में उसे अब कोर्ट में पेश करेगी। साथ ही आप सभी को बता दूं कि 17 मोबाइल भी जेल से बरामद किए गए थे। वहीं एक बात और आप सभी को बता दूं कि उदयपुर पुलिस ने एक ऐसे गिरोह का पर्दाफाश किया है जो एक ऑनलाइन ऐप बनाता था। ऑनलाइन ऐप बनाने के बाद में लोगों से एस्कॉर्ट सर्विस के नाम पर ठगी करता था। जी हाँ, बड़ी खबर हम आप तक पहुंचा रहे हैं कि लोगों से बड़ी एस्कॉर्ट सर्विस के नाम से ठगी करता था, और जब पुलिस को इसका पता चला तो पुलिस ने उसको गिरफ्तार कर लिया है। लेकिन आप सभी को बता दूं कि मात्र 7 दिनों के अंदर उसने 300 से अधिक लोगों के साथ ठगी की है, और 15 दिनों के अंदर 5.50 लाख रुपए की लूट भी मचाई है। साथ ही साथ आप सभी को बता दूं कि युवा कांग्रेस के कार्यकर्ता कल सड़कों पर उतरते हुए नजर आए थे, और सड़कों पर उनके हाथ में गैस चूल्हा भी था, और साथ में उन्होंने वहीं सड़क पर ही चूल्हा और गैस लगा करके रोटी भी सेकी है और चाय भी बनाई है। उनका कहना है कि हम यह शक्ति प्रदर्शन केंद्र की सरकार के खिलाफ में कर रहे हैं, क्योंकि केंद्र ने पेट्रोल, डीजल और रसोई गैस तीनों के दामों में वृद्धि कर दी है, और अब उन्हें यह वृद्धि कम जरूर करनी पड़ेगी। तो अखबार की खास सुर्खियों के अंदर बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज 19। नमस्कार।